जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, सच में हृदय विदीर्ण हो उठता है जब उच्च स्तर के संसारी मायावादी लोग अज्ञान अंधकार के कारण परमपिता परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझकर ऐसे अपशब्द बोलते हैं और ज्ञानी जन भी उनका कोई प्रतिकार नहीं करते। अरे, आपको व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार जिसने दिया, बोलने की शक्ति जिसने दी, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि धर्म स्थापना में फेल, टोटली फेल। आपको ज्ञान नहीं है अपने दोषों का और उस निर्दोष विशुद्ध परमात्मा पर उंगली उठा रहे हैं। वे अचिंत्य परमात्मा जिनकी गति इन भौतिक इंद्रियों और मन से भी परे है, वे अपने सत्य संकल्प से कब, किस कारण से, किस लीला को करना चाहते हैं, इसे हम जैसे तुच्छ मायावादी जीव कैसे भला समझ सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। बड़ी विडंबना है कि आप जैसे पूजनीय कथावाचक भी परोक्षवादात्मक ग्रंथों के आधार पर, बिना भावार्थ जाने केवल शब्दार्थों के आधार पर, उन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को, नायक को ऐसा बोलते हैं कि इस महापुरुष के दर्द तो अल्लाह जाने यार। जो श्री कृष्ण अपनी ही आत्मा में रमण करने के कारण आत्मा राम कहलाते हैं, इसलिए सुख दुख इन भौतिक स्थितियों से परे हैं। आप उनको कहते हैं कि अंतिम 26 वर्ष असहनीय पीड़ा को झेला। आपकी अशुभ वाणी की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब आप कहते हैं कि बलदाऊ 24 घंटे पीता था। आप झूठी प्रशंसा पाने के लिए न जाने कितने लोगों की श्रद्धा और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। संशयपूर्ण भक्ति से भक्त का अकल्याण ही हो सकता है। वह कभी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब बलदाऊ जैसे आदर्श भगवान 24 घंटे पिएंगे तो साधारण जन क्यों पीछे रहेंगे। वाह प्रभु जी वाह, आपकी प्रेरणा, आपकी वाणी, धन्य। जब तक कोई वस्तु अपनी मर्यादा में होती है तभी तक वह सम्मान के योग्य और सुंदर होती है। और फिर श्री सुखदेव भगवान ने तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। तब फिर आपने यह कैसे कह दिया कि वह द्वारिका में धर्म स्थापना करने में टोटली फेल हो गए बिल्कुल भी। बड़े खेद का विषय है कि आप भगवान के श्री विग्रह को पंचभौतिक शरीर बताकर जलाने की बात करते हैं, जो कि उपासकों के ध्यान का आधार है। स्वयं श्री सुखदेव मुनि ने, सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा है, लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामाविशत श्वकम। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। प्रिय भाई बहनों, यदि श्री भगवान भी अपने उस श्री विग्रह को हम संसारी लोगों के पंचभौतिक शरीरों की भांति यदि जलवाते तो फिर उपासकों का, भक्तों का जिस ध्यान में वो जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं उसका आधार ही क्या रह जाता। वो किसका ध्यान करते और किस बेस पर करते, किस आधार पर करते। श्रीमद् भागवत के महात्म्य वर्णन आता है कि भगवान ने ब्राह्मण के साप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार द्वारका में जो भी कुछ हुआ भगवान के सत्य संकल्प से, उनकी इच्छा से ही हुआ। यदि वे चाहते तो ब्राह्मणों का साप भी प्रभावहीन हो जाता। जैसे कि परीक्षित महाराज की उन्होंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी, ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। प्रिय भाई बहनों, जब भगवान का अवतार होता है द्वापर युग में, तब 3 प्रकार के लोग उनके साथ उपस्थित होते हैं। पहले तो वे जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, दूसरे वे जो भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में प्रवेश चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी में देवता। इन तीनों को अपने अपने पदों पर स्थापित करने के लिए भगवान ने जो लीला की, उसे चाहे हम लोग नियति समझ लें या भगवान की लीला समझ लें। प्रिय भाई बहनों, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष या कोई जलन नहीं है, ना ही किसी धर्म से हमें कोई आपत्ति या विरोध भावना है, परंतु हमारे उन सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई भी इस प्रकार के वचन बोलेगा जो लाखों लोगों के लिए आदर्श वक्ता हो, तो अनुसरणीय लोग तो उसका अनुकरण करेंगे ही, और जब उसका अनुकरण करेंगे तो न जाने कितने भक्तों के हृदय में अपने इष्ट के प्रति संशय उत्पन्न होगा,
और जब संशय उत्पन्न हो जाएगा तो भक्ति के क्षेत्र का पतन हो जाएगा, आध्यात्मिक नाश हो जाएगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप शास्त्र सम्मत विचारों को ही अपने हृदय में धारण करें, माने, कानों से सुने, अन्यथा अपने इष्ट की इस प्रकार की आलोचना को कदापि स्वीकार न करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्रिय भाई बहनों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अब भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।